तुम्हारे नाम की कॉलोनी आई है। हाँ बच्चा। काका कोई सुनने वाला नहीं है गरीब। अरे मैं हमारा बहना। काका तुम्हारे नाम कॉलोनी आई है। आधार आप कैसी बात करते हो? मजाक काका। साहब ले कॉलोनी दे दो। यही साहब कॉलोनी दे तुम। चाचा जी राम राम। राम राम ठाकुर साहब। कैसे हो आप? चाचा जी हाय साहब राम। अभी साले क्या शराब पर आते कि ठेका खोल रखे? सही नहीं जाए लहा दिन जाता हूँ मजा आ जाए। औकात में रहो ठाकुर साहब। चाचा जी रात दिन बीमार पड़ा हूँ और क्या बताऊँ मेरे। हम आपके पास कुछ खास काम से आए हैं। कौन सी बात है? मुखिया जी मैं कह रहा सही हकीकत बात। और रुपया लेने के लिए भेजा मुझको तो तुम जानना चाहते हो हम तुम्हारे दरवाजे क्यों आए हैं? क्यों आए हो? अरे भैया को रुपयों की जरूरत पड़ी इसलिए पास आपके आना हुआ। हो गए काफी दिन तुमको लाए रकम ये तो ना देने का सब बहाना हुआ। पास आए नहीं। हाँ। और अगर आ जाए रुपया लेने तो आपने बहाना बना दिया कि 6 महीने से बीमार चल रहे हो क्या? हाँ ठाकुर साहब बल्कि मैं आपसे भैया बल महाबली ये क्या बदतमीजी है? कैसे कुत्ते पाल रखे हो साहब समझ में नहीं आ रहा। मुखिया जी हमारे बड़े भाई साहब को रुपयों की जरूरत है इसलिए जो आप हमारी हवेली से रुपया लाए थे हमें हमारा रुपया चाहिए। ठाकुर साहब रुपया आप लेने आओ लेकिन ठाकुर साहब मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ। हमसे मदद? हाँ। कैसी मदद? कहना क्या चाहते हो? कुछ दिन के लिए 300 रुपया और प्रबंध कर दीजिए। या ले देखो काका का तो मैं दवा करवा लूंगा। उतना देहो तो बहु अबे लेवासन ठाड़ है। अबे मालिक बताई काका अबे तक पहले वाला प्याज नहीं दिए ना? अरे साले प्याज नहीं ब्याज 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 और कहा थे मैं का दे यही है पैसा दे। हमारी बात सुनो बड़े भैया ने क्या कहा था? लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होना चाहिए वहां पे। मुखिया जी ठाकुर साहब देखो हम रुपया लेकर के तो आए नहीं। हाँ। हम वसूली के लिए निकले हैं और पहला घर आप ही का है। हाँ साहब। अगर वाकई में आप 6 महीने से बीमार चल रहे हैं आपने रुपया की फरियाद किया है आपको रुपया मिलेगा। ठीक है ठाकुर साहब ऐसा करिए किसी को हमारे साथ हवेली भेज दो
हम बड़े भैया से कह के आपको रुपया दिलवा देंगे, इतना हम कर सकते हैं। ठीक है मालिक, मैं तो चलने से असमर्थ हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे मलखान को बुलाता हूँ। तुम किसी को भी हमारे साथ भेजो, हम बड़े भैया से कह के आपको रुपया दिलवा देंगे। बेटा मलखान, बेटा मलखान, हमका लागा तो काका बेटी गंगा। अरे ओ गंगा, क्या बात है बापू? तेरे भैया कहाँ गए बेटा? भैया भैया तो काम की तलाश में गए हैं बापू। काम की वो अभी तक वापस नहीं आए। अभी तक नहीं वापस आए? नहीं बापू। बेटी ये नहीं मालूम मैं तुझे क्यों बुलवाया हूँ। आखिर क्या बात है बापू? बेटी हाँ बापू, जमींदार साहब कर्ज लेने आए थे हमसे। क्या कर्जा? हाँ बापू, आप जानते हो इस वक्त हमारे खाने के लिए नहीं। सही, कैसे कर्जा देंगे हम बापू? फिर उन्होंने क्या कहा बापू? मैंने जमींदार साहब से विनती की, प्रार्थना की, ठाकुर साहब मैं दे नहीं सकता इस वक्त, बहुत लाचार हूँ, मजबूर हूँ। हाँ बापू, बल्कि मेरी मदद 300 रुपए की और कर दो। तो ठाकुर साहब ने ये कहा कि ठीक है मेरे साथ किसी को भेज दो, इसलिए मैं तेरे भैया मलखान को बुला रहा था। काका, भैया तो इस वक्त है नहीं है। इनका भेज दो, 2-4 हजार तो मत आई दे हूँ। क्या? मगर बापू ये बताइए ये कौन है? ये बहुत गंदे इंसान दिखाई देते हैं। उन्हें के कुत्ते हैं बेटी, ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते नमस्ते मुखिया जी, ये हाँ, कौन है? मेरी बेटी है गंगा। अच्छा अच्छा हाँ, क्या बात? मैं कपड़ा उतार के नहा ले आऊं। अबे हराम जादे, इस लड़की का नाम गंगा है। अबे सारे मरु जाइए, इनका नाम है गंगा, तो स्नान करे जा रहा सारे वही में मर जाइए। सारे उनका नाम है गंगा, समझे? हाँ चाचा जी, चल तो तुम्हारी बेटी जाएंगी हमारे साथ। हाँ क्यों बेटी? इस जमींदार साहब के साथ जा बेटी, और पैसा लेकर तुरंत वापस आ जा बेटी। ठीक है बापू। हाँ चलो चलो, आप कह रहे हैं बापू तो मैं जाऊंगी। ठीक है, अच्छी बात है मालिक। ठीक है मुखिया जी, मेरी बेटी गंगा जा रही है। आप बेफिक्र रहिए, टेंशन ना ले, हम ये रुपया देकर फौरन वापस भेज देंगे। काका हम चले थे। ठीक है जमींदार साहब, मेरी बेटी, मेरी बेटी वैसे आपकी बेटी, जैसे मेरी बहन वैसे आपकी बहन। चाचा जी आप बेफिक्र रहिए, ये अपनी ये हमारा बिरादरी मामला है, आप निसंकोच आराम करिए। बिरादर की लाज रखना, इज्जत मर्यादा बचा के रखना। सही बात है, आपकी बेटी बहन हमारी बेटी बहन है ना, आपकी बेटी बहन हमारी बेटी बहन नहीं है। क्या बे? क्या आपकी बहन नहीं है? तमीज से बात करो, आओ चलते हैं, इन्हें वापस भी आना है। ठीक है बापू आप जाइए। नमस्ते बापू, मैं बहुत जल्द आऊंगी। ठीक है चलिए मैं चल रही हूँ, आओ चलते हैं, चलो। आओ आओ लंबरी, आओ लंबरी, आओ चलो आओ, एक ही बगहा होके ले चल, बगहा होके बगहा हो, आओ चलो चलो, आओ गंगा चला जाओ, आओ आओ। अरे मिलन आई, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे शॉर्टकट मार ले चली, पागल हो गए हो? उधर कहाँ जा रहा बे लंबरी? बीच में नदी पड़ा थी, एक नका के ऊपर निकल चला जाए। हराम जादे, हाँ
लड़की क्या साथ में ले लिया, 90 की स्पीड पकड़ लिया क्यों? अरे मालिक अब मौका छोड़ा जाए का? इधर आओ मालिक, अब तुम ही ने ठाड़ो का? हाँ मैं तो यहाँ से हुआ तक पहुंच गया। वहां तक पहुंच गया। हमारी बात सुनो तुम दोनों, इधर आओ। सुनो सुनो, देखो अगर हम लोग रास्ते से जाएंगे तो सफर दूर है, इसे अंधेरा हो सकता है वापस आने में। यार लागत हुई है यार, मेरे साले जानवर भिड़ा रखते हैं यहाँ पे। इसे सीधा रास्ता जो अपनी अमाही बाग होते हुए हवेली को जाता है, हाँ शॉर्टकट ले चलते हैं। हाँ जल्द पहुंच जाएगी ये हवेली। हाँ आओ चलते हैं। तो हुआ कैसे हम न जाए, वो कैसे हम न जा, वो कैसे चींटी लगती हवेली सारे तुम अमाही बाग ले जाइ हो। हाँ तो वो कैसे तुम का खाओ फजली, तुम सारे बेवकूफ हो क्या? मालिक कोई अमाही बाग हम लंगड़ावा है मेरे पास। हाँ सारे तुम बांधे घूमते हो ना, चल चल आओ चलो चलते चलिए। ये बोलिए हमें किस तरफ से ले जा रहे हैं आप? इधर तो घनघोर जंगल दिखाई दे रहा है। नंगा घबराने की कोई बात नहीं है, अगर मेन रास्ते की तरफ से चलेंगे। देखो ठाकुर साहब मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरिए मत, हमारे साथ असलहे भी हैं और आदमी भी हमारे साथ ही। मालिक ठीक है, बंदूक तो है मगर घोड़ा नहीं है। क्या जब इसमें घोड़ा नहीं था तो तुम्हें दूसरी लेकर आना चाहिए हवेली से। मालिक घोड़ा का छोड़ दियो, जमना पानी पिए। 24 घंटे साले बहाना बनाते हो। देखो गंगा ये रास्ता सीधा हवेली को जाता है। बहुत अच्छी बात है, इसमें से जल्द पहुंच चलेंगे हम लोग और जल्द में लौट भी आऊंगी क्योंकि तुम्हें वापस भी आना है अभी। हाँ। आओ चलते हैं। चलिए चलिए काया। ए महामारी काया 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 मेरी बात सुनो। बताओ तुम लोग सुबह के निकले हुए हो? हाँ बताओ। धूप भी ज्यादा है, बहुत जोर है, प्यास भी लगी होगी? हाँ मालिक। थक भी गए होगे? सही मालिक। बोरे टट्टी लागी तो साले काय खा लेते, हाक मारते हैं। क्यों इतना खाते हो? पूरी 10-15 मालिक। तुम ऐसे करो आप खुद खिला, जो अपने बाग में समरसेबल है हाँ उसे चलाओ और पानी पियो। हाँ और थोड़ी देर आराम करो, तब तक हम थोड़ा गंगा से कुछ बातें कर लेते हैं। अच्छा हम समर सेबुल चलाई तुम कुल्ला करो? नहीं बे हम तुम समर सेबुल चलाई बे बराहपन ये नंबरी। हमारी बात सुनो, जाओ आराम करो जाकर के। चल बे चल खसक चल खसक जाओ चल, चलो हम तुम हमारा तुम्हारा कोई मौसम नहीं। चल, 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 जा ओए आ तू भी चला जा अमरेशपुरी टकला के बप्पा। अरे मिलाल आ जाओ तुम भी आराम करो जा करके। महू कहो का जाओ, तेरे लिए हाई कोर्ट से ऑर्डर पास करवाना पड़ेगा। महू जाऊं निकले यहाँ से, मगर जगह नहीं है माली। जगह नहीं है ना, जूता उतारे रहता तुम यार जाओ यहाँ से मालिक। क्या है बे मजाओ फिर बजाओ फिर सराफत से जाओगे, कुछ चाहिए क्या? वही तो पूछा तो जाऊं मैं। निकलो यहां से बजा तू मालिक फिर। हाँ जाओ यहां से जाओ फिर। गंगा जी बोलिए ठाकुर साहब क्या बात है? हमें आज तुम्हारे हालातों पे बहुत शर्म महसूस हो रही है। एक ठाकुर खानदान में पैदा होने के बाद तुम्हारे परिवार की और तुम्हारी ये स्थिति है। आप सच कहते हो, क्या करूं ठाकुर साहब, हालात ने ऐसे मोड़ पे पहुंचा देते हैं। तुम ठीक कहती हो, कोई मालूम नहीं किसी को। इंसान के हालात कब बिगड़ जाएं ये वक्त का खेल है, लेकिन गंगा बोलिए ठाकुर, ये हमारा आपका बिरादरी मामला है, हमारे रहते हुए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। आप
आप भगवान बन के आए हो, क्योंकि हमारे बापू ने आपसे एक जुबान कहा पैसों के लिए। आप करिए सोच विचार और चलिए सीधी राह पर, ना कर बात बेकार। आप बेकार की बात करते हो ठाकुर साहब, आपके में हाथ जोड़ते हैं। ये बेकार बातें नहीं है। अगर इंसान अच्छा है तो उसकी तारीफ हम क्या, पूरा समाज करता है। क्योंकि हम भले बेहतरीन है, अच्छे लगते हैं, मगर हमें हालात ने ऐसा मोड़ दे दिया है। हेलो, कि हम अपने आप को तारीफ सह नहीं सकते हैं। ठाकुर साहब दो मिनट रुकिए, देखिए हमारे अब हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जरूर बोलिए। गंगा, हाँ हाँ बोलिए। और जब से देखा रत के हूँ, कैसे हूर देख रही है आप? और जब से देखा रस के हूर, अरे हो गया दिल मेरा मजबूर। जब से लगे ना तेरी ठीक, और तू तो निकला पाजी नीच। गरीबी को मजाक मत उड़ाइए। गंगा, ऐसा मत कीजिए। तुम्हारी गरीबी का मजाक नहीं उड़ा रहे। फिर आप क्या कर रहे हो? हम तो ये चाहते हैं कि तुम हमारी ठकुराइन बन जाओ। मैं कहता हूँ दूर से बात कीजिए। बिरादरी मामला है, मैं तेरे बाप का कर्ज भी माफ कर दूंगा। आप जो सोच रहे हो ठाकुर साहब, वो कभी नहीं होगा। मैं कहती हूँ मुझे ऐसे ही रहने दो, मैं आपसे पैसा नहीं लूंगी, मैं चली जाऊंगी, मुझे जाने दीजिए। मैं आपके पास होती हूँ। कहीं ना कहीं तो विवाह करोगी ही,
अरे हम में आखिर ऐसी कौन सी बुराई, अरे हम दो भाई हैं, उदयपुर रियासत में हमारी हुकूमत चलती है, शासन प्रशासन सब हमारी मुट्ठी में है गंगा। मुझे और तुम राणा ठाकुर की हवेली की शान बन कर रहोगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसी दौलत पे हम ठोकर मार देंगे, मगर आपका कहना कभी नहीं करेंगे, बात मानिए मेरी, चले जाइए आप। वाकई में जब इंसान को गरीबी सताती है ना, तो उससे पहले उसका दिमाग खराब हो जाता है। क्या मेरा दिमाग खराब है? अच्छे रास्ता भी कोई दिखाए तो उसका दिमाग काम नहीं करता है, वही हालत तुम्हारे भी हो गए हैं गंगा। आप गरीबी के कीड़ों ने तुम्हारे दिमाग को खोखला करके रख दिया है। मैं आपकी बात मानती हूँ, मगर ये बताइए आप मेरी जगह पे आपकी बहन होती तो क्या करती? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, अब इसके आगे सवाल मत उठाइए बाबू, चले जाओ। हम तो ये चाहते हैं अगर तुम्हारी जगह कोई गए बिरादर की होती तो हम इतनी विनती नहीं करते, अब तक न मालूम क्या हो जाता गंगा। नहीं, आप कुछ भी कहिए मगर आपका कहना कभी नहीं होगा, मैं जीते जी मर जाऊंगी मगर ये कहना कभी नहीं करूंगी, मैं जाती हूँ। वाकई में रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं जा रही है, वही ठाकुरों वाली अकड़ नहीं जा रही है, खाने के लारे पड़े हैं लेकिन चाँद का असर नहीं जा रहा कहते हैं लोग। तुम्हारा एक रोमा अलग ही काम कर रहा है। मैं खेती हूँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ना। गंगा तुम भी तो हमारी बात समझो। मैं आपकी बात कभी नहीं मानूंगी, चले जाइए यहाँ से, मैं जा रही हूँ। अरे गुर की पतर की रे, गंगा हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, पहली नजर में तुम्हारे दीवाने हो गए। पागल हो गया तू? अरे गुर की पतर की रे, ए हो गुर की पतर की रे, अरे वाह प्यारी, आओ मेरी जान, तुमने तो हमारा दिल खुश कर दिया हमारी बाहों में आकर के।
बैठो मेरी जान, बैठ जाओ। गंगा, हम बहुत खुश हैं तुमसे। ऐसा करो, अब अगर तुम राजी हो गई हो तो आओ चलते हैं। जो बाग में समरसेबल वाली कोठरी नहीं है, उसी कोठरी पे चलते हैं, डिस्को डांडिया करते हैं। अरे भाई, क्या तकलीफ हो गई तुम्हें? अब कौन सी तकलीफ है? आओ ना, चलते हैं। क्या कुछ खाना चाहती हो? क्या भूखी हो? अरे तुम्हें पहले बताना चाहिए, इतनी छोटी सी बात। अरे हम तुम्हारे लिए तो चिड़िया का दूध भी ला सकते हैं। क्या खाओगी? ओ समझ गए, तुम बाग में हो ना, कुछ ना कुछ जरूर बाग में देखा होगा। बेर खाओगी? बेर का सीझा नहीं। फिर क्या खाओगी? अच्छा समझ गया, तुम अमरूद खाओगी। क्यों? अरे तुम इशारा करती हो, बोलती क्यों नहीं हो? क्या खाओगी? अच्छा रसगुल्ला खाओगी क्या? ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये समय का परिवर्तन है। बलवंत सिंह ने कभी तो खिलाया नहीं होगा, क्योंकि खाने के लाले पड़े हैं। तुमने सोचा मुर्गा तगड़ा है, फरमाइश भी तगड़ी होनी चाहिए। क्यों? ठीक है, हम तुम्हारे लिए लेने जा रहे हैं रसगुल्ला, लेकिन एक बात याद रखो गंगा, रसगुल्ला तो खिलाऊंगा, वही तुझे चरपैया में बताऊंगा, चरपैया टोटा लूंगा। तुम रुको, मैं रसगुल्ले लेकर के आता हूं। देखो भैया, चाहे मेहरिया का सार फुटा बता सना पूछी सो। गंगा प्यारी, प्यारी गंगा, मैं तुम्हारे लेने लिए जा रहा हूँ रसगुल्ला। रसगुल्ला खिला के चरपैया टोट डालूंगा। अया नहीं जानत कि सार का तो मैं वही खटिया में केर बौड़ी ना टोट डालू है। पता नहीं सार का कैसे कहा है आदमी, सारे का गंगा गंगा गंगा, प्यारी प्यारी लगा है, नहीं देखा थी प्यारा घुसा बैठ है, है? पता नहीं। अरे गंगा, ये सार आग का गंगा, ये तो छोटी सी बात थी, इधर आओ। अरे आओ ना उठ के, क्यों? तुमने रसगुल्ले की फरमाइश किया, ये देखो रसगुल्ला है, पेड़ा है, बर्फी है, खाओगी? अपने हाथों से खिला दूं, खाओगी? ये लो, प्यार से खाना और हमें भी खुश कर देना चरपैया में। ये लो, ये क्या बदतमीजी है? हम तुम्हें खिला रहे हैं और तुमने हमारे उंगलियों में काट लिया ना? ये कैसी मोहब्बत यार, कटही मोहब्बत मत करो, ऐसा तुम अपने हाथों से खाओ। ये लो, तुम खाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए लेने जा रहा हूं ठंडा ठंडा पानी, फ्रिज का ले आऊं। लेकिन गंगा भूल नहीं जाना, गंगा हम बहुत प्यार करते हैं तुमसे। गंगा तुम रसगुल्ला खाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेने जा रहा हूं,
लेकिन वही चरपैया में जियो मेरी स्प्लेंडर गाड़ी। सार ये खवा पिया आके कतमोरे दुकान के माथे सो नहीं देवासा है। कहा से गंगा गंगा प्यारी तुम रसगुल्ला खाइए, तुम्हारे लिए लेने जा रहा हूँ पानी। अतलिया सारे पानी मैं तुम्हारे गिरा के मार दू वही में नानी सारे का।